का जय स्तंभ नाका चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक करूर रोड का गौशाला और कांजी हाउस ज्यादा लगता है। बरसात होते ही घर या कोठारों में रहने वाले जानवर, गाय, बैल या फिर बछड़े तक को जानवर के मालिक सड़कों पर छोड़ देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक से लेकर रात तक सड़कों के बीचों बीच जानवर बैठे रहते हैं। दिन में आवागमन करने वाले छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ियों को काफी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात में आवागमन करने वाले को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। या तो गाड़ी चलाने वाले जानवर के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं या फिर जानवर सड़कों में दौड़ते भागते हुए गाड़ी वालों पर चढ़ जाते हैं। दोनों सूरत में ही आवागमन करने वालों को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वैसे यह खाली कोटा नगर पंचायत की समस्या नहीं है। बिलासपुर रोड, लोरमी रोड, बेलगांव और रतनपुर रोड में भी जानवरों का भरमार रोडों के बीचों बीच लगी रहती है, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। जबकि उसी रास्ते से कोटा विकास खंड के सभी विभागों के अधिकारियों का आवागमन रहता है। जब अधिकारीगण आवागमन करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि नज़र नहीं पड़ती होगी। नज़र पड़ने के बाद भी अधिकारियों को सुस्त रवैया समझ में आ रहा है, या तो फिर अधिकारीगण भी यह सोचकर ध्यान नहीं देते होंगे कि हमारे विभाग का काम थोड़ी है। विभाग को तब समझ में आता है जब कोई दुर्घटना हो जाए, घटना में किसी की भी जान चली जाए तो कानून व्यवस्था ना बिगड़े करके मुआवजे की रकम लेकर अधिकारियों को भेज दिया जाता है। नगर पंचायत से लेकर अनुभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी, पुलिस सहित अधिकारियों का रोज बिलासपुर से कोटा आना जाना लगा रहता है। फिर भी सड़कों के बीचों बीच बैठने वाले जानवर को देखते हुए भी उस पर अपने मातहत अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने की बात नहीं करते। काफ़ी आश्चर्यजनक है, या तो फिर अधिकारीगण भी दुर्घटनाओं का इंतजार कर रहे होंगे। कोटा नगर पंचायत के कांजी हाउस की भी व्यवस्था नहीं है। पूर्व में यहाँ पर कांजी हाउस था, वहाँ पर आज की तारीख में दुकान और मकान बने हुए हैं। जिस जमीन पर कांजी हाउस बना हुआ था वहाँ पर आज दुकान बनी हुई है, पर समझ से परे है कि नगर पंचायत अपनी जमीन को खाली नहीं करार पा रहा है। मामला कोर्ट में होने के बाद भी, नगर पंचायत के हक में फैसला आने के बाद भी नगर पंचायत अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना समझ से परे है। क्या नगर पंचायत अधिकारी या अन्य विभागीय अधिकारी जो निर्णय ले सकता है उन पर किसी तरह का राजनीतिक नेताओं का दबाव है, या फिर राजनीतिक दबाव का बहाना बनाया जा रहा है? अधिकारी होकर निर्णय नहीं ले पाना काफ़ी दुखद है। इस बारे में मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सुश्री सागर राज से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की गई, पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। नगर पंचायत अधिकारी की अनुपस्थिति में नगर पंचायत अध्यक्ष मुरारी गुप्ता से इस बारे में बात करने पर उन्होंने बताया कि नगर पंचायत अधिकारी मीटिंग में गई हुई हैं, आते ही इस बारे में चर्चा कर उचित व्यवस्था करने की बात कर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई। साथ ही सड़कों के बीच बैठे जानवरों से दुर्घटना की आशंकाओं को देखते हुए जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई की बात कही। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।